केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा है कि वो व्यापम घोटाले पर बयान देने को तैयार हैं। भोपाल में उमा ने कहा कि व्यापम घोटाले की जांच के दौरान अगर उन्हें बुलाया गया तो वो अपना पक्ष अवश्य रखेंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि एक्सेल सीट में 14 जगह पर उमा भारती का भी नाम था और उन्हें DGP ने घर जाकर क्लीन चिट दी थी। उमा भारती ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किताब भी लिखना चाहते हैं। मैं बहुत उदास रहूंगी हमेशा कि मेरा नाम इसमें क्यों आया, लेकिन कोई भी मुझसे बयान के लिए बुलाएगा मैं ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि मैं तो पहले भी तैयार थी। मैं STF को भी बयान देने के लिए तैयार थी कि आप मेरा बयान ले लो। DGP मेरे घर आ गए थे और वो कह रहे थे कि नहीं लेना, तो इसलिए मुझे तो इसमें पूर्ण सहयोग करना है, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इस मसले से मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन इससे बहुत लोगों की जिंदगानियाँ ख़राब हो गई हैं।